हेलो एवरीवन, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग खाना अपने दांतों की मदद से चबाते हैं और काटते हैं, पर जो पक्षी होते हैं वो कैसे खाते हैं? उनकी चोंच होती है जिससे वो अपने आहार को पकड़ते हैं और खाते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या सभी पक्षियों के पास एक सी चोंच होती है? नहीं, अलग अलग पक्षियों की चोंचे उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होती है। आइए कुछ अनोखे पक्षियों के बारे में जानें, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं और क्या क्या खासियतें हैं। तो यहाँ पे आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको तोता, गोरैया, कबूतर, मोर दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमने अपने गांवों में, घर के आसपास उड़ते हुए या फिर कहीं घूमते हुए देखे होंगे। यह पक्षी अनाज, फलियां और बीज खाते हैं, इसलिए इनकी चोंच छोटी, मजबूत और नुकीली होती है, जिसकी मदद से ये उन अनाज को तोड़ पाते हैं। ये है कठफोड़वा, जिसको हम वुडपैकर बोलते हैं इंग्लिश में, और हूपो पक्षी। इनकी चोंच मजबूत और नुकीली होती है। यह पेड़ के ठोस तनों में छेद करने के लिए और कीड़े निकालने के लिए उनकी मदद करती है। ये है बत्तख और हंस, पानी वाले पक्षी। इनकी चौड़ी और चपटी चोंचें होती हैं, जिसके दोनों तरफ छेद होते हैं। वह पानी में कीड़े ढूंढते हैं, जिस कारण उनके मुंह में उनके जो चोंच है उसमें गंदा पानी भर जाता है, लेकिन इन छेद की मदद से वो पानी निकल जाता है और कीड़े जो है वो अंदर रह जाते हैं, जिससे ये लोग आहार खा पाते हैं अपना। यह है बाज, उल्लू और गिद्ध। ये तीनों पक्षी जो हैं, ये मांसाहारी पक्षी हैं। उनकी चोंचें मजबूत, तेज और नोकदार चोंच होती है, जिसकी मदद से वो मांस नोच पाते हैं। आपने देखा होगा जब चील को उड़ते हुए देखते हो, कितनी बड़ी दिखती है। ये है हमिंगबर्ड और सनबर्ड। ये फूलों से मधुरस पीते हैं और इनकी चोंच बहुत पतली व लंबी होती है, जिसकी मदद से यह फूलों का रस पी पाते हैं। आपने इतने सारे पक्षियों को देखा, अब आप लोग ये सोचिए और ये बताइए कि आपको अपने आसपास कितने पक्षी इनमें से दिखे हैं और आपने कभी उनको खाते हुए देखा है। चलो चलो, जल्दी से सोचो।